तर्री देखो कितना मस्त लग रहा है। मजा आने वाला है एकदम। हाई गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरे पीछे आप सभी को एक बहुत बड़ा पेरू का पेड़ दिख रहा होगा। तो यस, आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक लोकेशन पे आए हैं जिसका नाम है पेरू की वाड़ी, और ये फेमस है उनके चूलीवर की मिसल के लिए। और आज हम मिसल के साथ साथ इनकी स्पेशलिटी भी ट्राई करने वाले हैं, जो है गुड़ से बना हुआ जलेबी और दूसरा उनके खुद के फार्म के पेरू में से बना हुआ आइसक्रीम। पेरू की वाड़ी का डिस्टेंस अराउंड 10-11 किलोमीटर है मेन नासिक सिटी से। आपको यहाँ पर पहुँचने में लगभग 20-25 मिनट लगेगा, बिकॉज ट्रैफिक इतना नहीं होता इस साइड पे, और यहाँ पे इनफ पार्किंग स्पेस है। तो अभी मैं उसके मेन एंट्रेंस पे हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज एरिया लग रहा है इसका। सो एंट्रेंस के यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट किए हैं और बहुत कलरफुल प्लांट्स है, तो एंट्रेंस ही उनका बहुत ही प्लेजेंट और वाइब्रेंट लगता है। फर्स्ट थिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरू का अरोमा है। मुझे जस्ट अभी यहाँ पे 3-4 ऐसे क्यूट से वाइट कलर के फुल वाइट रैबिट्स दिख रहे हैं। इसका टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 4 बजे तक होता है। उनकी सारी डिटेल्स, उनका गूगल पिन, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप चेक कर सकते हो। शेतातले का तो यहाँ पे उनके जो खेत के पेरू है उन्होंने सेल करने के लिए रखे हुए, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुगंध भी बहुत अच्छा है पेरू का। 50 रुपये ला किलो, 50 रुपये में 1 किलो। आगे चलते हैं, थोड़ा पूरा देखते हैं कि कैसा है ये पेरू की वाड़ी। ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स है जो गणपति को हम लोग चढ़ाते हैं, इसको हिबिस्कस बोलते हैं। हमारे घर में भी हमने बहुत सारे लगाए अलग अलग कलर्स के। सो ये बेसिकली ओरिजिनल कलर है और बहुत यूज है, देख सकते हो, बहुत बड़ा फ्लावर है। बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी है, साइकिल्स है, और यहाँ पे झूला भी है जो उन्होंने टायर पे से बनाया हुआ है। फिर पीछे स्लाइड है, और बहुत सारे उन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं जहाँ पे आप बच्चों को बिठा सकते हो, तो उनको थोड़ा स्कूल वाला फीलिंग आएगा। आई नो काफ़ी सारे बच्चे लोग स्कूल वाला फीलिंग मिस कर रहे होंगे। वाह, इस पर तो मुझे बैठना ही है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। हमारे बिल्डिंग के नीचे भी ना स्विंग्स है, बट वहाँ पे बैठने नहीं देता कोई क्योंकि वो बच्चों के लिए। पेड़ के नीचे स्विंग, वाओ वाओ, मस्त है एकदम। ए, तू फांदी तोड़ देगी, पूरा झाड़ हिल रहा है। कुछ भी, मेरे फांदी की वजह से झाड़ टूटेगा, मेरे फांदी की वजह से नहीं। आप में से कितने लोगों ने ऐसे पेड़ के नीचे स्विंग किया है मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे जानना है। तो गाइज, यहाँ पे रैबिट्स भी है और बहुत ही क्यूट और फ्लफी है, और पूरे वाइट कलर के। ये देखो कितने पिंक कलर के उनके कान है। उनको कुछ खाना नहीं दे सकते क्या यहाँ से लेकर? पालक वालक खाते रहेंगे वो, पर उनको ऑलरेडी दिया रहेगा खाना। ओपन भी छोड़ते हैं, तो यहाँ पे मस्त खेलते भी है। वो देखो इधर नीचे है एक दो रैबिट्स, तो पास गए तो भाग जाते। कितना सॉफ्ट था, देव का खायला त्यांना। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेरू गिरे हुए हैं और उसमें से कुछ कुछ खाए हुए भी है। खाए हुए उसका मतलब कि वो पोपट ने खाया है, और वो बहुत मीठा है, तो आप उसे खा भी सकते हो। हम लोग बचपन में खाते थे। चले अभी खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ चले, 11 बज गए, हम लोग आए थे यहाँ पे 10-10 बजे, और तब से इधर उधर ही घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरा हुआ है, बट मुझे लगता है पोपट ने खाया, वो रैबिट ने खाया रहेगा। तो अभी मिसल का ऑर्डर देते हैं और देखते भी है कि मिसल चूल्हे पे कैसे बनती है। मेरे पीछे उनका किचन एरिया है, और साइड में ही थोड़ा बाहर उनका चूल्हे पर मिसल बन रहा है जो मुझे दिख रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उसको देखने के लिए। तो चलिए फटाफट जाते हैं अंदर। ये प्रॉपर चूल्हा है क्या? अंदर क्या आपने कोयला डाला है? नहीं, लकड़ी। अच्छा, लकड़ी डाला है। एक्चुअल में वो स्मेल आ रहा है एक्चुअली, वो लकड़ी का, और जो प्रॉपर हम लोग बोलते हैं ना तंदूर, वैसा टाइप का सुगंध आ रहा है, उसका अरोमा है। तर्री देखो कितना मस्त लग रहा है,
कितना बड़ा चम्मच है देखो ये। ये वर्ती से की तरी है ना? हाँ तरी। सो मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको स्टर किया इस मिसल को, बट मेरे आँख में से पानी आने लगा। तो इजी नहीं है ये चूली वर्ची मिसल खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हाँ सॉरी बनाना बनाना इतना इजी नहीं है, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कितना टाइम लगता है इसको पूरा बनने में? 1.5 घंटा लगता है एक जो आप ये वेसल देख रहे हो उसमें कुक करने के लिए इतने रस्से को, तो बहुत मेहनत है और उसके पहले का प्रिपरेशन भी रहता है। इसके लिए हम लोग को चूल्हे वर के मिसल का इतना टेस्ट अच्छा लगता है। सो गाइस हमने देख लिया कि रस्सा कैसे बनता है चूल्हे पे, अभी हम चलते हैं उनके मेन किचन पे जहाँ पे प्लेटिंग और बाकी सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे उनका टोटल 2 सर्विंग प्लेटफॉर्म्स है किचन में। एक जगह पे उनका पाव सैलड और पापड़ ये सारी चीज़ें रखी जाती है जो आपने देखा ही। यहाँ पर मेन मिसल का प्लेट रेडी किया जाता है। अभी उन्होंने सारे जो बाउल है उसमें फरसान डाल के रेडी रखा है, क्योंकि रश जब बहुत बढ़ जाता है तो उनको फटाफट से उसमें स्प्राउट्स वगैरह डाल के उनको सर्व करने में ईजी पड़ता है। तो ये सारे प्लेट्स हैं यहाँ पे, इधर इसमें स्प्राउट जाएगा, थोड़ा सा कोथिंबीर शेव जाएगा और फ्राइड पीनट जाएंगे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिसल में। सो गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इनका एक और स्पेशलिटी है जो है गुड़ से बना हुआ जलेबी। तो वही जलेबी इस लाइव काउंटर पे बनती है जो हम आपको दिखाएंगे बनते हुए। और मैं पर्सनली मीठा नहीं खाती, बट मुझे देख के ही वो खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अभी अभी उन्होंने फ्रेश कुछ जलेबियाँ बनाई है। कांट वेट, अभी ऑर्डर करते हैं, अभी बहुत शूट कर लिया, अभी खाते हैं पहले, बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही यूज स्पेस है, आप चाहे तो शेड के यहाँ पे भी बैठ सकते हो, या फिर आप एक्चुअल जो उनका पेरू का वाड़ी है वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के भी मस्त एंजॉय कर सकते हो। तो हमने जो सेकंड वाला है वो सिलेक्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली पेरू की वाड़ी में हम खाने आए हैं। हमारा मिसल आ चुका है। बाप रे कितना सारा खाना है, बट आई एम श्योर हम लोग फिनिश कर देंगे क्योंकि बहुत भूख लगा है। रेडी खाने के लिए? यस, बहुत वेट करवाया आपने। तो मिसल खाने का सही तरीका, स्टेप 1, ये होता है रस्सा। रस्सा को ऐसे करना है प्रॉपरली मिक्स, ताकि जो उसका मसाला है वो नीचे ना रह जाए। सुगंध लेते हैं इसका, जो तंदूर फ्लेवर है ना, जो मतलब चूल्हे पे बना हुआ है ना, वो समझता है जैसे ही आप उसको स्मेल करोगे ना वो, और बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, सिर्फ स्पाइसी स्मेल नहीं आ रहा है। डालते हैं अभी। वाओ लुक एट दैट, माय गॉड क्या थिक रस्सा है। ठीक है, मुझे ज़्यादा रस्सा नहीं पसंद है तो मैं अभी और नहीं डालूँगी। अभी आती है बारी तर्री की। तर्री बाबा हम लोग स्पून से ही डालेंगे क्योंकि इतना ताकत नहीं है तीखा खाने का। तर्री जो होता है वो बेसिकली तेल में मिर्ची का तड़का होता है, जो एक्चुअल में कलर और जो स्पाइसीनेस मिसल को मिलता है वो तर्री के वजह से मिलता है। इतना डालेंगे हम लोग प्याज। बारी नींबू की, मज़ा आने वाला है। चलो करते हैं मिक्स। कितना रिच लग रहा है देखिए, क्योंकि स्प्राउट्स का क्वांटिटी देखिए आप, सिर्फ फरसान नहीं दिख रहा है, प्रॉपर स्प्राउट्स भी दिख रहा है। ओके, पीनट कांदा फरसान स्प्राउट और रस्सा। टेस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, मस्त स्पाइसी है, वो खाते ही आपको स्पाइसीनेस महसूस होता है। अनियन का एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट फ्लेवर है। अगर जो महाराष्ट्र में लोग देख रहे हैं उनको पता रहेगा, एक महाराष्ट्र में फेमस मसाला है जिसको बोलते हैं हम काला मसाला,
जो हम डे टू डे इसमें यूज करते हैं वो काले मसाले का बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है। मतलब जिसको तीखा मिसल खाना है ना यहाँ पे आ सकता है। जैसे उन्हें बोला कि तंदूर पे बनाया ना वो टेस्ट इसमें प्रॉपर आ रहा है। अभी हम खाएंगे गुड़ में बना हुआ जलेबी। शक्कर में बना हुआ जलेबी खाते हैं, उसका कलर येल्लोइश होता है, इसका प्रॉपर ब्राउन है, जैसे गुड़ का कलर होता है वैसे टाइप का ही कलर है। तो अभी खाते हैं। बहुत जूसी है, ईजीली बाइट हो रहा है, मस्त मेल्ट हो रहा है और गुड़ का फ्लेवर एक्चुअल में आ रहा है। और इनको तो मीठा बहुत पसंद है, क्रिस्पी भी है और जूसी भी है। ओके, तो वो बहुत सही बात है। और प्लस गुड़ की है तो स्लाइटली हेल्दी है। मेरा वजन बढ़ते जा रहा है बट टेस्ट बहुत सही है। जिनका स्वीट टूथ है उनको तो बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। सो यहाँ पे हमने एक लस्सी और एक बटर मिल्क ऑर्डर किया है। एक गुजराती के बटर मिल्क के स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग का खाना जो है वो बटर मिल्क के बिना नहीं जाता है। ये हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बार खाना मत दे दो बट छाछ तो चाहिए ही भैया। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, इसमें प्रॉपर चाट मसाला उन्होंने डाला है, थोड़ा सा कोरिएंडर डाला है, एकदम परफेक्टली थिक है, बहुत ऐसे पानी पानी नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत पतला छाछ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तीखा मिसल, मीठी जलेबी और थोड़ी सी खट्टी और ठंडक देने वाली छाछ। ये मस्त, तो उन्होंने ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले इसमें, बहुत थिक लग रहा है मुझे। ठीक है, उसमें क्या उन्होंने रोज सिरप ऐसा कुछ डाला है जिसकी वजह से थोड़ा सा रोज का भी टेस्ट आ रहा है उसमें, मस्त है। सो गाइस अभी हम आराम से मिसल खाते हैं और आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मिसल बहुत टेस्टी था और वो खाने के बाद ना एक्चुअली जो टंग पे जो स्पाइसी खाने के बाद जो एक होता है ना एक सेंसेशन होता है वो हो रहा है अभी। तो अभी उन्होंने लाके दिया है उनके खेत के पेरू से ही बना हुआ आइसक्रीम, जो कि बहुत यम्मी लग रहा है और कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है उसका। तो मैं अभी उसको खाने वाली हूँ बट उसके पहले हम एक मसाला डालेंगे। पेरू खाते टाइम हम सिर्फ पेरू नहीं खाते, उसमें नमक और मिर्ची का मसाला डाल के खाते हैं, तो वो आइसक्रीम भी वैसे ही खाया जाता है। तो अभी ये यहाँ पे मसाला है, वाओ मज़ा आने वाला है एकदम। जिसको ना इमली और फिर ऐसी सारी चीज़ें, बेर, ये सारी चीज़ें पसंद आती है ना, उनको ये बहुत पसंद आएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाला पसंद है। देखो कितना कलरफुल और खाने के लिए कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज रेड और जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वो वही टेम्पटिंग लग रहा है एकदम। सब मैं ऊपर वाला वाइट लेती हूँ जिसमें मसाला भी बहुत अच्छे से आएगा। ऐसा लग रहा है मैं एक्चुअल पेरू खा रही हूँ, ठंडा पेरू। एकदम क्रीमी है और शुगर ना फील ही नहीं हो रहा है। मतलब जो जितना हम लोग पेरू खाते टाइम जो हम लोग को शुगर वो नेचुरल शुगर फील होता है ना, वैसा ही इसमें हो रहा है। और मसाला मैंने बहुत अच्छे से डाला है, एकदम जेनरसली डाला है, तो मसाले का टेस्ट प्लस ये पेरू का जो एक टेस्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं पेरू ही खा रही हूँ। अजी दोन पेरू कट करो, मिर्तिल का मिर्तिल ना किती ला? 20 ला। नाव काय तुमचं? शकुंतला वागे। अच्छा इकडेच राहता का? मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टोटल बिल कितना आया है। हमारा टोटल बिल आया है 430। मिसल का जो रेट है वो एक मिसल 90 रुपीस का है, लस्सी जो है वो 50 रुपये का है, बटर मिल्क 30 रुपीस, जलेबी का एक प्लेट 50 रुपये का है और आइसक्रीम 50 रुपये का है। और पूरे इसका जो हाईलाइट है वो है आइसक्रीम, मतलब आपको ऐसा आइसक्रीम ना नेचुरल्स में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी बारी आती है रेटिंग्स की, तो इसे हम ऐसे रेटिंग्स देंगे। एम्बियंस के लिए मैं 10/10 दूंगी, क्योंकि अब तक का जितने भी मैंने ओपन एयर रेस्टोरेंट्स ट्राई किए या फिर ऐसे नेचुरल स्पेसेस में ट्राई किया है उसमें का सबसे बेस्ट ये है और वेल मेंटेन्ड है। सेकेंड जो आता है फूड, उसको मैं 9/10 दूंगी और थर्ड सर्विस को मैं 10/10 दूंगी। तो आज का ये एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं पूरा पेरू एंजॉय करती हूँ, आज जी से थोड़ा बात भी करती हूँ और फिर यहाँ से निकलेंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि और अच्छे अच्छे
जगहों पे हम जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं वो सारी जगह। और दूसरी चीज़, मुझे कमेंट में आपके कोई सजेशंस रहेंगे जहाँ हम जा सकते हैं तो वो भी बताइए। बाय बाय वांडरर्स।